नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। रीट पेपर लीक खुलासे में गरमाई सियासत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बोले, तुरंत सीबीआई को जांच सौंपे सरकार। रीट पेपर लीक मामला, एसओजी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से पूछताछ की सूचना, टीम अजमेर में कर रही है पूछताछ। भर्तियों में हो रहे घोटाले के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन, राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर किया प्रदर्शन, रीट एसआई जेएन समेत कई भर्तियों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान जेलन मार्ग पर पहुंचे छात्र नेता, करीब आधा दर्जन छात्र नेताओं को लिया हिरासत में। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल कलराज मिश्र वीसी से जुड़े, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअल जुड़े, राज्यपाल ने संविधान की प्रस्तावना का किया वाचन। लॉरेंस विश्नोई गैंग का गुर्गा चढ़ा पुलिस के हत्थे, व्हाट्सएप ग्रुप पर किया था सक्रिय, अवैध हथियार के साथ पकड़ा, अब एचएस बनाने का प्रपोजल भेजने की तैयारी। सिर्फ 2 सेकंड में हुआ अलवर कांड, बस को 1 सेकंड में पार कर जाती बाइक, मुखबधिर से एक्सीडेंट के कारण देरी, इसी थ्योरी पर टिकी जांच, पुलिस की जांच पूरी, बस एफएसएल जांच का इंतजार। जयपुर में पेट्रोल डीजल की दर यथावत, नहीं हुआ आज दरों में बदलाव, आज पेट्रोल की दर 107.06 रुपए प्रति लीटर, डीजल 90.70 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। बजट से पहले सीएम उद्योग व्यापार जगत से लेंगे सुझाव, स्टेट टैक्स एडवाइजरी कमेटी बैठक कल, स्टाम्प ड्यूटी और पेट्रोल डीजल के साथ साथ बिजली रेट घटाने, आड़त घटाने और बढ़ाने की मांग। राजस्थान में कोरोना का कहर, 25 दिन में 176 ने तोड़ा दम, अलवर में पहली और दूसरी लहर का टूटा रिकॉर्ड, तीसरी लहर में एक दिन में रिकॉर्ड 1846 केस आए सामने। फरवरी के तीसरे सप्ताह में खुल सकते हैं स्कूल, बोर्ड के अलावा दूसरी परीक्षाओं पर संशय, केस घटेंगे तभी खोले जाएंगे स्कूल। और फिलहाल खबरों में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज।